हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ, दमदार सब्सक्रिप्शन रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करते रहे आज के दिन भर मैं कहूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको अपडेट कर रहे थे कि भाई अब तो लास्ट टाइम आ चुका है, एक घंटा बचा है, क्योंकि 2 बजे का हमारा टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है। सब्सक्रिप्शन देखो और उसके बाद अप्लाई करो, मतलब रिस्क को सबसे पहले खत्म करो। अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन है तो एक लॉट अप्लाई कर दो, मिल जाए तो लिस्टिंग गेन हो जाएगा तो, लेकिन यहाँ अच्छा बहुत मैं कहूंगा 150 गुना सब्सक्राइब अब तक हो चुका है। थोड़ा बहुत डाटा जो बचा है वो आएगा, देखते कितना गुना होता है ओवरऑल। क्या आपने अप्लाई किया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपने अप्लाई किया? अप्लाई किया तो डिस्क्रिप्शन में जरूर वीडियो को मैं कहूंगा, कमेंट में बताइए कि अप्लाई किया या नहीं किया। और रेगुलर बेसिस पे इस आईपीओ को ट्रैक कर रहे थे, फिलहाल देखते हैं कैसे हालात बने हैं। लिस्टिंग गेन, डब्बा बाजार में क्या भाव है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, उन सारी बातों को देखते हैं साथ के साथ। लिस्टिंग डेट कब की है, कब मिलेगा पैसा वापस, अगर आईपीओ नहीं अलॉट हुआ तो, अलॉट हुआ तो कब हम बेच पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे। सारे क्वेश्चंस को दूर करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ज्वाइन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जरा देखिए, फिर रिफ्रेश कर लेते हैं, 4 बजे का टाइम अभी का है और अभी का सब्सक्रिप्शन देखिए, और आगे कुछ डेटा और रहेगा तो फिर वो आपको रिफ्रेश अपडेटेड डेट मिल जाएगा। फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, जो मुझे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है वो जबरदस्त बंपर, यानी कि 149 टाइम्स में सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देख रहा हूं, कितना 149 टाइम्स, जबरदस्त 149.28 अभी के डाटा के हिसाब से, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखें, QIB NII सबसे लेट एंट्री मारते हैं, क्योंकि एक पैसे की, रुपए की मैं कहूंगा, एक एक मिनट की कीमत को समझते हैं बड़े पैसे वाले मोटे इन्वेस्टर, एक एक मिनट की कीमत, पैसे की, टाइम की कीमत समझते हैं, इसीलिए सबसे लेट आते हैं। तो QIB कितना, 75 टाइम सब्सक्राइब हुआ, सबसे ज्यादा पोर्शन QIB NII का ही था, NII 351 टाइम सब्सक्राइब हुआ। और साथ के साथ अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, रिटेल इन्वेस्टर यानी कि छोटे निवेशक 67 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि सबसे कम रिटेल निवेशकों का कोटा था और सबसे कम सब्सक्रिप्शन यहीं पे है, और QIB NII का जबरदस्त सब्सक्रिप्शन ओवरऑल 150% का ये सब्सक्रिप्शन देखने को, 150 गुना मैं कहूंगा ये सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जबरदस्त मैं कहूंगा इसको। जरा देखिए BSE NSE में किस तरीके से ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हुआ उसको भी देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए BSE में जरा देखिए, आप कहोगे यार ये तो खतरनाक है, मतलब शेयर्स कितने थे, मात्र 1,26,00,000 शेयर्स BSE के डाटा के हिसाब से थे, किनके लिए, QIB के लिए। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, 50 करोड़, और आप हो गया ये तो हैरानी वाली बात है, 39 टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए आ गया भाई, रिकॉर्ड तोड़। NIA की अगर मैं बात करूं तो 63 लाख का कोटा था BSE के लिए, सब्सक्रिप्शन कितनी आ गई आप चौंक जाओगे देख के, 1,25,00,000 शेयर से ज्यादा के लिए, 1,25,00,000 शेयर्स, टोटल 197 टाइम्स। रिटेल निवेशकों को देखो तो कितने शेयर थे, मात्र 42 लाख, कितने के लिए सब्सक्रिप्शन आ गई, 18 करोड़, यानी कि 42 टाइम्स, यानी कि BSE पे अकेले का सब्सक्रिप्शन इतना तगड़ा रहा है कि ये देखिए BSE का टोटल सब्सक्रिप्शन 83 टाइम्स आपको देखने को मिल रहा, कितना 83 टाइम्स, यानी कि 149 में से 83 टाइम्स जो है वो BSE में ही अकेले देखने को मिल रहा है। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं NSE के सब्सक्रिप्शन को, देखिए NSE के सब्सक्रिप्शन को देखते हैं, देखिए QIB 35 गुना यहां पे भी सब्सक्राइब हुआ, 36 टाइम्स मैं इसको कहूंगा राउंड ऑफ करके, NII 154 टाइम, लेकिन रिटेल को अगर आप देखोगे तो 24 गुना यहां पे सब्सक्राइब हुआ, यानी कि NSE पे रिटेल वालों ने कम सब्सक्रिप्शन, BSE पे ज्यादा सब्सक्रिप्शन, टोटल 66 में से 24 आप माइनस कर सकते हो तो देखिए कितना, 42 टाइम BSE पे, NSE पे मात्र 24 टाइम है। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखूं तो जरा देखिए कैसे हालात रहे हैं,
ओवरऑल 66 टाइम्स यहाँ पे एनएसई पे सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आप देख रहे हो टोटल शेयर्स कितने थे, 2,32,00,000 शेयर्स थे। कितने के लिए एप्लीकेशन आ गई, 150 करोड़ शेयर्स के लिए। अब आपको अरे हो क्या रहा भाई, यही तो होता है जब आईपीओ जबरदस्त जाता है, खतरनाक जाता है, तो ऐसी सब्सक्रिप्शन आती है। 2,30,00,000 शेयर्स, 32,00,000 शेयर्स के लिए 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, 153 करोड़ शेयर्स के लिए बिडिंग आई हुई है। देखिए बिडिंग आई हुई है इतने शेयर्स के लिए, जबरदस्त मैं कहूंगा। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन होगा डब्बा बाजार में क्या भाव चल रहा है। देखिए डब्बा बाजार का भाव जो मैं देख रहा हूं बहुत ही खतरनाक मुझे देखने को मिल रहा है। जो पहले रेट कम था ऐसे सब्सक्रिप्शन को देख के 9 सितंबर का रेट ग्रे मार्केट प्रीमियम का 120 से लेके 125 जा रहा है, यानी कि बहुत ही बढ़िया बात, जो कि 115-120 की रेंज में था, इस बार 120 को पार करके 125 वाली रेंज में चला गया, 120-125 की रेंज में, यानी कि बढ़िया रिटर्न आपको मिल सकता है। अब पिछले कुछ टाइम के आईपीओ का मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा, 6 महीने साल भर में जो आईपीओ आए हैं जरा उनको देखिए, और हैप्पीएस्ट माइंड्स के थोड़ा सा और बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे इस आईपीओ के डेट्स के बारे में। अब डेट्स के ऊपर फोकस करते हैं सबसे पहले। अब तो डेट्स आईपीओ जिसने अप्लाई करना होगा कर दिया होगा, बचा क्या डेट। आज की डेट 9 सितंबर वेडनेसडे है, 10-11 थर्सडे फ्राइडे, 12-13 सैटरडे संडे, और आपके पास आएगा मंडे 14 तारीख को। मंडे को आपकी अलॉटमेंट की फाइनलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपके पास जो डेट आएगी वो आएगी रिफंड की, और रिफंड 15 सितंबर के आसपास से फिर रिफंड भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपके पास आएगा डीमैट अकाउंट में, तो 15-16 के आसपास आपके डीमैट अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाएंगे, और 17 को लिस्टिंग कही जा रही है। यहाँ पे 17 की मैं जो डेट पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे 17 की लिस्टिंग कही जा रही है। तो कितने दिन आपका पैसा ब्लॉक हुआ, आज आपने लगाया 9 को, वो भी शाम को 2-2.5 बजे के आसपास आपने लगाया, तो 2-2.5 बजे लगाया, 3 बजे तक लगाया, तो आपने देखा अब ये आपका 17 यानी कि 15, 6 दिन के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि अगले 1-2 दिन होल्ड करने या पैसा वापस आ जाएगा। देखिए पैसा वापस तो आपका आएगा क्या ही, पैसा तो आपका कटा ही नहीं, क्योंकि ए बी ऐसे अमाउंट ब्लॉकिंग के थ्रू ये चीज आईपीओ में एप्लीकेशन होता तो आपका पैसा डिडक्ट नहीं होता। लेकिन और भी इंपॉर्टेंट बात ये सारी चीज, अब लिस्टिंग तो मुझे बम्पर लग रही है यहाँ पे, कैसी मार्केट के हालात उस दिन होते हैं, बट बम्पर लिस्टिंग के अनुमान है। अब आप सोचिए आपने इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचना है या फिर आपको अलॉट हुआ या लिस्टिंग गेन के चक्कर में निकल जाना है। अब देखिए रोजरी बायोटेक का आईपीओ आया था, रोजरी बायोटेक के आईपीओ के अगर आप सब्सक्रिप्शन को देखोगे कितना सब्सक्राइब हुआ था, मात्र 80 गुना। 80 गुना सब्सक्रिप्शन के बावजूद इस शेयर की अगर आप लिस्टिंग देखोगे तो बम्पर लिस्टिंग हुई थी, बम्पर लिस्टिंग मैं कहूंगा, बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग यहां पे हुई थी। और कितना सब्सक्राइब, और ये आईपीओ तो अभी के टाइम वाला, तो कितना सब्सक्राइब हो गया, 150 गुना सब्सक्राइब हो गया। तो आप कहोगे अरे तो बहुत ही अच्छी बात है, और अभी के टाइम पे 800 के प्राइस के आसपास है। मिला कितने का था आईपीओ आपको, आप देखिए 425-423 के आसपास आपको मिला था। उससे पहले SBI कार्ड के आईपीओ जब आया था तो वहां पे थोड़े मार्केट के हालात अच्छे नहीं थे, और आप इसकी सब्सक्रिप्शन देखोगे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन भी, क्योंकि बड़ा आईपीओ था तो इसकी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं थी, मात्र 26 गुना थी, बड़ा आईपीओ था क्योंकि। और प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग का आईपीओ आया था इससे पहले, और इसकी सब्सक्रिप्शन अगर मैं बात करूं तो इसकी भी सब्सक्रिप्शन मुझे यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिली थी। देखिए कितने सब्सक्रिप्शन इसकी थी, मात्र 2 गुना सब्सक्रिप्शन थी। लेकिन इससे पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का 37 रुपए का आईपीओ था ये, और 60 रुपए के आसपास जरूर गया था यहाँ पे, और इसकी अगर सब्सक्रिप्शन देखो तो 165 टाइम्स थी, यानी कि लिस्टिंग गेन यहाँ पे भाई पक्का है, क्योंकि 150 गुना सब्सक्राइब होना हैप्पी माइंड्स के आईपीओ में, हैप्पीएस्ट माइंडसेट के आईपीओ में जबरदस्त। CSB बैंक के आईपीओ को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना सब्सक्राइब होता, मात्र 86 टाइम यहाँ पे भी लिस्टिंग गेन हुआ। तो लेकिन आपका आईपीओ, IRCTC के आईपीओ को देखोगे तो डबल से भी ज्यादा आपको लिस्टिंग गेन मिला था, लेकिन सब्सक्रिप्शन कितना था, मात्र 112 गुना। लेकिन इस बार आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही जबरदस्त है, NII 350 टाइम्स और QIB 108 टाइम था। किसका, ये IRCTC की मैं बात कर रहा था कि आप कंपेयर कर पाओ डेटा को, और इस बार का डेटा तो आपने देख ही लिया, नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लीजिए। एक बार मैं रिफ्रेश करके लेटेस्ट नंबर से आपको दिखा देता हूं कि कुछ चेंजेस हुए या फिक्स हो गया। देखिए 150 गुना हो चुका है, अभी भी थोड़ा बहुत अगर बचा हुआ डेटा होगा तो वो आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ये मैं जो डेटा आपको 4 बजे के आसपास का ये डेटा आपको दिखा रहा हूं, देखिए 150 टाइम्स, जहां पे IRCTC 112 गुना हुआ था 165 टाइम्स हुआ था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटा है तो मैं यहां पे डबल नहीं कहूंगा, तो एटलीस्ट मैं कहूंगा 50% से ज्यादा का लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है, 50% से ज्यादा का। 166 का आईपीओ का आपका प्राइस है डब्बा बाजार में, इसका रेट आपको ऑलरेडी देख लिया, 120 से 125 प्रीमियम पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा गेन आपको हो सकता है। चलिए अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है तो
अगले आईपीओ के लिए तैयार रहे। अगले आईपीओ यानी कि राउट मोबाइल का आईपीओ भी अभी ओपन स्टेट में पड़ा हुआ है, वो भी जबरदस्त आईपीओ है। उसका किस तरीके से सब्सक्रिप्शन एंड ऑल चल रहा है, लेकिन आईपीओ भरने के टाइम एक बात जरूर ध्यान रखें, एक नहीं ये तीन बात है, जब प्राइस ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमेशा कट ऑफ को चेक करें, अलग अलग डीमैट पैन की लिंकिंग वाले अकाउंट से आईपीओ भरे और एक लॉट से एक ही एक अकाउंट से एक ही लॉट भरे तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होता है। तो वाइंड अप करता हूं यहां पे वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।